लिटर्स ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, डायरेक्ट डायरेक्ट डिकम्पोजिशन और क्लोज सब स्पेसिस ऑफ हिल्बर्ट स्पेस। सबसे पहले है एनियर लेटर्स, जिसमें जो कि है लेट एच बी अ हिल्बर्ट स्पेस। हिल्बर्ट स्पेस अभी हमने देखा कि क्या होती है, कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस को हम हिल्बर्ट स्पेस कहते हैं। अगर हमारे पास कोई भी एक कंप्लीट इनर स्पेस है, मीन्स हिल्बर्ट स्पेस है, और उसका हम कोई सबसेट ले लें ए, और फिर हमारे पास कोई एक एलिमेंट लें जो एच से बिलोंग कर रहा है हिल्बर्ट स्पेस से, वो ऑर्थोगोनल होगा ए के अगर वो उसका इनर प्रोडक्ट ए के हर एलिमेंट के साथ जीरो आए। अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट है हिल्बर्ट स्पेस से और उसका हर एलिमेंट उसके हर एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट ए के साथ जीरो आ रहा है, तो हम कहेंगे वो जो है ऑर्थोगोनल है टू ए के। इसी तरह हम सारे एलिमेंट्स ए के सारे एलिमेंट्स का चेक कर लेंगे कि कौन कौन हिल्बर्ट स्पेस के कौन से एलिमेंट्स हैं जो ए के साथ ऑर्थोगोनल आ रहे हैं। उनका जो सेट होगा पूरे का पूरा वो एनिहिलेटर्स हो जाएगा। द सेट ऑफ अ वेक्टर विच आर ऑर्थोगोनल टू ए आर कॉल्ड एनिहिलेटर्स ऑफ ए, और इसकी रिप्रेजेंटेशन ये है ए के ऊपर ये साइन होता है हमारे पास, और एक्स बिलोंग्स टू एच सच दैट एक्स जो है वो पेंडिकुलर कह लें या फिर उनका इनर प्रोडक्ट ए के साथ जो है वो जीरो आ जाएगा। और इसी तरह अगर हम ए एनिहिलेटर्स का फिर एनिहिलेटर लें, तो फिर वो हम उसको हम डबल साइन से शो करेंगे, जो कि हमारे पास ये है। और फिर हमने कहा है कि हमारे पास सॉरी जीरो का एनिहिलेटर पूरी हिल्बर्ट स्पेस आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास जीरो जो है वो सारी स्पेस के साथ ऑर्थोगोनल होगा। और इसी तरह अगर पूरी स्पेस देखें तो वो जीरो के साथ ऑर्थोगोनल होगी, तो इसी तरह एच हिल्बर्ट स्पेस का एनिहिलेटर जीरो वेक्टर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है ये जीरो ऑर्थोगोनल वाली बात समझ नहीं आई किस तरह, मतलब ऑर्थोगोनल के लिए हम ये नहीं देखते कोई नॉन जीरो एलिमेंट्स हो या नॉन जीरो सेट हो या मतलब कोई नॉन जीरो वेक्टर ले लें। ऐसा कुछ नहीं हमने कहा, हमने सिर्फ ये कहा है कि कोई भी हम हमारे पास हमने स्पेस से अपने एक एलिमेंट लिया, और अगर वो जिसके साथ आप जिसके एनिहिलेटर्स चेक कर रहे हैं ए के चेक कर रहे हैं, तो अगर उसमें मौजूद सारे एलिमेंट्स के साथ उसका इनर प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा तो वो उसके एनिहिलेटर में चला जाएगा। इसमें हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। सही है, जीरो का हमारे पास इनर प्रोडक्ट जो होगा वो सबके साथ क्या हो जाएगा? ये तो ट्रिवियल केस नहीं बन जाएगा क्योंकि वो तो हमने ऑटोमेटिकली जीरो एक आना। हमने एक जनरल रिजल्ट लिखा है कि अगर हम आप इस तरह से फाइंड करें हिल्बर्ट स्पेस का आप इनिहिलेटर लें तो वो जीरो आएगा, और जीरो का इनिहिलेटर लें तो वो हिल्बर्ट स्पेस आएगी। ये एक प्री डिफाइंड कह रहे हैं, हाँ ये आपने किया और ये रिजल्ट एज इट इज सेम एज इट इज ही रहेगा, रिजल्ट है सही ये। ठीक है, जी जी ठीक है। कुछ रिजल्ट्स हैं इसके एनिहिलेटर्स के, तो वो देखते हैं कि क्या क्या है। लेट ए एंड बी अ सबसेट्स ऑफ अ हिल्बर्ट स्पेस एच देन, अगर हमारे पास दो सबसेट्स हैं हिल्बर्ट स्पेस के, तो देखते हैं कि हमारे पास ए जो होगा वो सबसेट होगा ए इनहिलेटर के इनहिलेटर का। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए देन, अगर एक्स ए से बिलोंग कर रहा है और उस एक्स का वाई के साथ जो है वो इनर प्रोडक्ट जीरो है, तो मतलब फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू, अगर एक्स ए से बिलोंग कर रहा है ठीक हो गया, तो फिर उसका हमने फॉर ऑल वाई जो उसके इनिहिलेटर्स के में बिलोंग करेंगे उनके साथ उसका क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। इनिहिलेटर में वो कब जाता है, जब उसका इनर प्रोडक्ट जीरो हो। तो अगर वो उसके इनिहिलेटर में पड़े हुए जितने भी वाइज हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके साथ उसका इनर प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब है एक्स जो है वो ए इनिहिलेटर से बिलोंग कर गया, क्योंकि उसका सारे एलिमेंट्स जो पड़े हुए थे उसके साथ उसका इनर प्रोडक्ट जीरो आ गया। दैट इज हमारे पास ए जो है वो सबसेट आ गया ए इनिहिलेटर के इनिहिलेटर का। हमारे पास कभी जब भी हमने किसी चीज़ को सबसेट प्रूव करना होता है, हम कोई एलिमेंट लेके उसको फर्स्ट वाले से बिलोंग करवा देते हैं और उसके बिलोंग करता है, उसके बाद हम कुछ स्टेटमेंट्स देने के बाद अगर वो सेकंड वाले से बिलोंग कर जाए तो हम कहते हैं फर्स्ट वाला जो है वो सबसेट है दूसरे का। तो वही सिंपल टेक्निक यूज की है यहाँ पे भी। आगे है ए सबसेट है बी का, इम्प्लाइज बी एनिहिलेटर सबसेट है ए एनिहिलेटर का। यहाँ पे हमने स्टेटमेंट हमारी रिवर्स हो गई है कि हमारे पास अगर ए बी का सबसेट था
तो जब इनिटर की बारी आई तो फिर बी जो है वो ए का सबसेट हो गया, ए सबसेट है बी का। तो सबसे पहले हमारे पास कोई एक्स है जो बिलोंग करता है बी एनिलेटर से, एक्स बिलोंग करता है हमारे पास बी एनिलेटर से, तो इसका मतलब है हमारे पास वो सारे एक्स का वाई, उन सारे वाई के साथ उस इनर प्रोडक्ट जीरो होगा जो वाई बी से बिलोंग करेंगे, कि वो इनिलेटर में पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब उन सारे वाई जो बी से बिलोंग कर रहे हैं उनके साथ उनका इनर प्रोडक्ट क्या है, जीरो है। और फिर हमने ये क्या कहा हुआ है कि हमारे पास गिवन ये है कि ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, तो हमारे पास एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट जीरो होगा उन सारे वाई के लिए भी जो ए से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि जो वाई बी से बिलोंग कर रहा था वो वाई ऑटोमेटिकली ए से भी बिलोंग कर रहा है क्योंकि ए सबसेट है बी का। तो फिर एक्स क्या कर जाएगा, एक्स बिलोंग कर जाएगा ए इनिलेटर से और बी इनिलेटर सबसेट हो जाएगा ए इनिलेटर। नेक्स्ट है ए यूनियन बी इनिलेटर इज इक्वल टू ए इक्वल टू ए इनिलेटर इंटरसेक्शन बी इनिलेटर। अब हमने यहाँ पे हमारे पास पहले हम करेंगे इसको फर्स्ट टर्म को सेकंड का सबसेट प्रूव करेंगे, फिर सेकंड को फर्स्ट का, और फिर ये दोनों इक्वल प्रूव कर देंगे। सिंस हमने कहा है कि हमारे पास ए जो होता है वो सबसेट होगा ए यूनियन बी का और बी भी सबसेट होगा ए यूनियन बी का। अब अगर यहाँ पे हमने अभी जो पहले प्रूव किया है स्टेटमेंट उसको यूज करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वाला ए यूनियन बी एनिलेटर सबसेट हो जाएगा ए एनिलेटर का, और इसी तरह ए यूनियन बी एनिलेटर सबसेट हो जाएगा बी एनिलेटर का। और अब हमने इन दोनों, ये दोनों सबसेट हो जाएंगे ए यूनियन बी एनिलेटर सबसेट हो जाएगा ए एनिलेटर इंटरसेक्शन बी एनिलेटर का। तब हमारे पास एक साइड प्रूव हो गई कि ए यूनियन बी जो है वो सबसेट है ए एनिलेटर इंटरसेक्शन बी एनिलेटर का। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड्स को इस कन्वर्सली प्रूव करेंगे और फिर देखेंगे। अब हमने कन्वर्स प्रूव करना था तो हमने पहले एलिमेंट ले लिया एक्स जो बिलोंग करता है ए एनिलेटर इंटरसेक्शन बी एनिलेटर से, एक्स बिलोंग कर इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है तो एक्स ए से भी ए इनहिलेटर से भी बिलोंग करेगा और बी इनहिलेटर से बिलोंग भी करेगा। अब इस तरह से अगर एक्स ए इनहिलेटर से बिलोंग कर रहा है तो जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास ए में पड़े हुए हैं उन सब के साथ एक्स का इनर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि ये इनहिलेटर में से है। तो इसका मतलब है इसका अपने ओरिजिनल सेट में जितने भी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं उनके साथ इसका इनर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसी तरह अगर ये एक्स बी इनहिलेटर से बिलोंग कर रहा है तो इसका सारे वाई जो बी में पड़े हुए हैं उनका उनके साथ इसका इनर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो हमारे पास एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा फॉर ऑल वाई जो बिलोंग कर रहे हैं ए यूनियन बी से। एक्स का ए वालों के साथ भी इनर प्रोडक्ट जीरो आ रहा था और वाई वालों के साथ भी इनर प्रोडक्ट जीरो आ रहा था, तो हमने कहा उन सब के साथ ए यूनियन बी जो ए में भी हैं बी में भी हैं दोनों के साथ उनका इनर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इस वजह से एक्स बिलोंग टू ए इंटरेस्ट ए यूनियन बी इनिलेटर, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इनिलेटर, थस ए इनिलेटर इंटरसेक्शन बी इनिलेटर हमारे पास जो सबसेट हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इनिलेटर का। और हमने पहले एक प्रूफ किया था कि ये ए इंटरसेक्शन बी होल इनिलेटर जो था वो इसका सबसेट था, तो कॉन्सिक्वेंटली हमारे पास क्या हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अब हमने प्रूव करना है कि ए इनिलेटर यूनियन बी इनिलेटर जो है वो सबसेट है अगर हम दोनों के इंटरसेक्शन ए बी के इंटरसेक्शन होल का इनिलेटर ले लें। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या होगा, सबसेट होगा ए का, और इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी जो सबसेट होगा वो क्या होगा, बी का भी सबसेट होगा। ए इनिलेटर जो है, अब हमने फिर वही वाली प्रॉपर्टी यूज की सेकेंड में जो प्रूव की थी, जब हम इनिलेटर लेंगे तो इनकी साइड चेंज हो जाएंगी, तो हमारे पास ए इनिलेटर आ गया सबसेट आ गया ए इंटरसेक्शन बी इनिलेटर का और बी इनिलेटर सबसेट आ गया ए इंटरसेक्शन बी इनिलेटर का। तो हमारे पास अब क्या हो गया, ए इनिलेटर यूनियन बी इनिलेटर जो है वो सबसेट आ गया ए इंटरसेक्शन बी इनिलेटर का, सिंपली प्रूव हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ए इनिलेटर हमारे पास इक्वल होता है अगर ए का हम तीन बार इनिलेटर ले लें, मतलब एक बार इनिलेटर लेना बराबर हो जाएगा ए के तीन बार इनिलेटर लेने के। लेट्स से हमारे पास अभी हमने जो फर्स्ट किया था उसमें हमने कहा था कि हमारे पास ए जो होता है वो सबसेट होता है ए डबल इनिलेटर का, जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमने देखी थी उसमें था ए सबसेट होता है ए इनिलेटर डबल
डबल न्यूमरेटर के। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने ये कहा कि हमारे पास अगर स्टेटमेंट जो सेकंड में की थी वही यूज की, तो ए ट्रिपल इनिलेटर सबसेट हो गया किसके, ए इनिलेटर का। ठीक हो गया, अब ए इनिलेटर सबसेट हो गया, सबसेट हो गया ए इनिलेटर, क्या फिर डबल इनिलेटर ले लिया जो कि हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ए ट्रिपल इनिलेटर के। तो ए जो है वो इक्वल आ गया ए ट्रिपल इनिलेटर के। एक चीज तो हमारे पास जो थी ना फर्स्ट स्टेटमेंट से आ गई, एक सबसेट वाला रिलेशन, दूसरे सबसेट वाले रिलेशन को हमने ये सेकंड वाला यूज करके प्रूव कर लिया, तो ये दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी एनिलेटर, हमारे पास सबसेट होंगे, जीरो वेक्टर होगा हमारे पास इसमें, या फिर ये एम्प्टी होगा, इसके सबसेट होंगे। अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए इनिलेटर एम्प्टी सेट है, एम्प्टी है, तो ये सिंपली हमारे पास नहीं पता है कि ये तो फिर सबसेट हो गया इसका जीरो वेक्टर का। लेकिन अगर जीरो वेक्टर सेट का, लेकिन अगर इसमें कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, लेट्स से हमारे पास कोई एक्स एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, हमने कहा कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन ए इनिलेटर से। अब एक्स बिलोंग इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है, एक्स ए से भी बिलोंग कर रहा है, और एक्स ए इनिलेटर से भी बिलोंग कर रहा है। अब एक्स एक्स दोनों एलिमेंट इनिलेटर से बिलोंग करने का मीन ये होता है कि वो दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, उन दोनों का इनर प्रोडक्ट क्या है, जीरो है। अब एक्स भी इनिलेटर में है, और एक्स ए में भी है और इनिलेटर में भी, मतलब एक्स एक्स के ही परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हमने कहा कि हमारा एक्स परपेंडिकुलर है एक्स के, और तो इसका मतलब हमारे पास जो नॉर्म आएगा वो इसका क्या आएगा, एक्स इनर प्रोडक्ट हमारे पास क्या, इनर प्रोडक्ट हमारे पास इक्वल होता है नॉर्म के स्क्वायर के, तो इसका नॉर्म का स्क्वायर भी आ गया इक्वल टू जीरो। अब नॉर्म किसी चीज़ का जीरो तभी होता है जब हमारे पास क्या होगा, एक्स जीरो होगा, तो फिर एक्स हमारे पास क्या आ गया, जीरो आ गया। तो हमारे पास कोई भी एलिमेंट अगर वो इनके इंटरसेक्शन से बिलोंग कर भी रहा होगा तो वो सिर्फ जीरो होगा। नेक्स्ट है ए इनिलेटर इज अ क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ एच हिल्बर्ट स्पेस। अब हमने इसको सबस्पेस और क्लोज सबस्पेस प्रूव करना है। लेट हमने कहा है कि वाई और जी हमारे पास बिलोंग कर रहे हैं ए इनिलेटर से, और हमारे पास ए और बी कोई भी फील्ड से बिलोंग करने वाले कुछ स्केलर्स हैं। तो हमारे पास कोई भी अगर एक्स ए से बिलोंग करेगा, अब अगर एक्स ए से बिलोंग करेगा तो वो ए का इनिलेटर है वाई और जी, तो इसका मतलब है वाई और जी के साथ इनका इनर प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, वाई के साथ भी इसका इनर प्रोडक्ट जीरो है, और जी के साथ भी इसका एक्स का इनर प्रोडक्ट क्या आ गया, जीरो आ गया। सो अब हमने इसको प्रूव करना था सबस्पेस, उसके लिए हमने वही प्रॉपर्टी जिसे ऊपर ने आपको बताई, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जी, और एक्स के साथ लिया, तो अब हमने ए यहाँ से कॉमन आ गया, वाई एक्स का इनर प्रोडक्ट प्लस बी जी एक्स का इनर प्रोडक्ट आ गया। अभी हमने कहा वाई एक्स का भी इनर प्रोडक्ट क्या है, जीरो है, और जी एक्स का भी जीरो है, तो ये इक्वल क्या आ गया, जीरो के। इसका मतलब है ये पूरी चीज, ये ए एक्स प्लस बी वाई भी इनिलेटर से बिलोंग कर गया, क्योंकि इसका भी एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब है ये चीज भी इनिलेटर में चली गई। तो हमने कह दिया कि सो ए इनिलेटर इज अ सबस्पेस ऑफ एच। अब हमने सबस्पेस प्रूव कर दिया है, अब हमने प्रूव करना है कि हमारे पास ये क्लोज्ड भी है। क्लोज्ड के लिए हमारे पास क्या क्राइटेरिया है प्रूव करने के लिए, हम कोई भी सीक्वेंस हो उसके लिमिट, अगर उसके लिमिट पॉइंट्स सेट में से बिलोंग कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होता है, वो क्लोज होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई सीक्वेंस लेंगे और उस सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट को भी ए इनिलेटर से बिलोंग करा देंगे, तो फिर हम कहेंगे कि जी इनिलेटर, ए इनिलेटर हमारे पास क्या है, क्लोज है। लेट वाई बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए इनिलेटर, देन देयर इज अ सीक्वेंस वाई एन इन ए इनिलेटर सच दैट। अब हम कोई सीक्वेंस है उसका अगर ये लिमिट पॉइंट है, तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वाई एन इज इक्वल टू वाई आ गया। नाउ अब हमने कहा है कि हमारे पास वाई एन का एक्स के साथ जो है, क्योंकि वाई एन हमारे पास कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए इनिलेटर में, और ए इनिलेटर में वो एलिमेंट होते हैं जिनका ए के एलिमेंट्स के साथ इनर प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। हमने कहा कि वाई एन और एक्स का इनर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, जितने भी एक्स ए से बिलोंग कर रहे हैं उन सब के लिए इसका इनर प्रोडक्ट जीरो आएगा, क्योंकि ये इनिलेटर से बिलोंग कर रहा है। ओके, अब हमने लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट अप्लाई की यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे लिमिट वाई एन हमने कहा है कि एक सीक्वेंस है जिसकी लिमिट हम पहले ही बता चुके हैं वाई है, तो ये वाई लिमिट से ये वाई आ गया,
लिमिट एन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो हमारे पास वाई एन ये आ जाएगा, वाई आ जाएगा, तो इसका मतलब है वाई ऑफ एक्स क्या हो गया, ये जीरो हो गया। अब इसका मतलब है वाई वाई भी इन लेटर से बिलोंग कर गया, क्योंकि वाई का डॉट वाई का इनर प्रोडक्ट भी एक्स ए के एलिमेंट्स के साथ जो है वो जीरो आ गया, तो वाई जो है ए इन लेटर से बिलोंग कर गया। और वाई हमारे पास क्या था, लिमिट पॉइंट था, लिमिट पॉइंट भी सेट से बिलोंग कर गया, तो हमारे हमने कह दिया कि सेट हमारे पास क्या है, क्लोज्ड है, और ये पहले हमने प्रूव कर दिया था वो सबस्पेस है, तो ये बन गई क्लोज्ड सबस्पेस। आगे है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्स। अब हमारे पास ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं ये देखेंगे हम। फॉर एनी कंप्लीट सबस्पेस ए ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी, द सबस्पेस ए इन लिटरली इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। वही चीज एनी लिटरल्स को हम अगर हमारे पास क्लोज्ड सबस्पेस होना तो उसके हम एनी लेटर को क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। इफ ए इज अ क्लोज सबस्पेस ऑफ अ हिल्बर्ट स्पेस, यहाँ पे हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस लिखा, जनरली लिख दिया इनर प्रोडक्ट स्पेस। अब हमने स्पेशल इनर प्रोडक्ट स्पेस हिल्बर्ट स्पेस की बात कर दी, अगर ए इज अ क्लोज सबस्पेस ऑफ अ हिल्बर्ट स्पेस एच, देन ए इन लेटर इज अ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। जनरली हम क्या कहेंगे, कोई भी कंप्लीट सबस्पेस हो तो किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस की और उसका एनी लेटर लें तो वो ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट होगा। और अगर हिल्बर्ट स्पेस की बात करें, क्योंकि हिल्बर्ट स्पेस की हमारे पास जो होते हैं सबस्पेसेस होती हैं वो क्या होती हैं, कंप्लीट होती हैं। कोई भी क्लोज सबस्पेस ले लें ना, क्लोज सबस्पेस ले लें हम हिल्बर्ट स्पेस की, तो वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो इसी वजह से ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, सेम है हमारे पास, कि हमने यहाँ पे क्लोज सबस्पेस लिया है तो हिल्बर्ट की क्लोज तो वैसे ही कंप्लीट होती है, तो हमारे पास ये भी क्या हो जाएगी, इसका एनी लेटर लेंगे तो वो भी ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होगा ए का इन एच। आगे नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर है? कोई सुन रहा है? ये सब आवाज आ रही है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, क्लियर है, आवाज आ रही है। ओके, नेक्स्ट है, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी कंप्लीट कन्वेक्स सबसेट ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, एंड एक्स हमारे पास जो है वो वी से बिलोंग कर रहा है, इनर प्रोडक्ट से बिलोंग कर रहा है, लेकिन वो ए से बिलोंग नहीं कर रहा। ऐसा हमने एक्स लिया है जो वी से बिलोंग कर रहा है, लेकिन उसकी सबस्पेस भी हमने सबसेट ली हुई है उससे बिलोंग नहीं कर रहा। देन देयर इज अ यूनिक वाई बिलोंग्स टू ए सच दैट, हमारे पास ऐसा एक वाई होगा ए से बिलोंग करेगा, एक्स हमारा वी से बिलोंग कर रहा था और वाई हमारा ए से बिलोंग करेगा, कि उन दोनों का जो डिस्टेंस है वो इनफिमम डिस्टेंस होगा उन सारे पॉइंट के, सारे पॉइंट्स ए के लिए उनमें से कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके साथ उसका डिस्टेंस क्या होगा, सबसे कम होगा, मतलब एक सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट हमारे पास एक एग्जिस्ट करेगा और वो एक यूनिक पॉइंट होगा। अब हमने कहा है कि लेट हम जो डिस्टेंस वाली चीज है ना उसको हम कह देते हैं कि हमने जो इनफिमम काया हुआ है उसको हम डी कह देते हैं, डिस्टेंस कह देते हैं। इनफिमम हमने एक्स और माइनस वाई लिया, ये सारे वाई प्राइम जो हैं वो ए से बिलोंग कर रहे हैं, और इनमें से जो सबसे कम वाला है वो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, डी है। बाय द डेफिनेशन ऑफ इनफिमम, इनफिमम की डेफिनेशन हमारे पास ये होती है कि हम कोई भी सीक्वेंस लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, मतलब सारे सीक्वेंसेस का डिफरेंस ले रहे हैं, तो वो किसी एक पॉइंट की तरफ कन्वर्ज करेंगे। बाय डेफिनेशन ऑफ इनफिमम हमारे पास सीक्वेंसेस क्या करेंगे, कन्वर्ज करेंगे। देन बाय डेफिनेशन ऑफ इनफिमम देयर इज अ सीक्वेंस हमारे पास ए में, एक ऐसा सीक्वेंस होगा कि वो उस सीक्वेंस पे अगर एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, डिफरेंट सीक्वेंसेस होंगे। और अगर हम एन इन्फिनिटी एक्स माइनस वाई वन, एक्स माइनस वाई टू, और इसी तरह से अगर हमारा एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए तो हमारे पास इन्फिमम डिस्टेंस आ जाएगा। अब हमने कहा है कि ये हमारे पास क्या है, यहाँ यहाँ तो हमने सिर्फ इन्फिमम की डेफिनेशन यूज की, प्रूव हमने क्या करना था कि ये जो है ऐसा एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है। पॉइंट एग्जिस्ट करने के लिए हमारे पास सबसे कम डिस्टेंस वाला, तो अगर हमारे पास कोई भी, सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि ये कॉशियस सीक्वेंस है, क्योंकि कॉशियस सीक्वेंस होगा अगर हमारे पास, तो कोई भी कॉशियस सीक्वेंस कॉशियस होता है अगर वो कन्वर्ज, इफ एंड ओनली कन्वर्ज कन्वर्ज करेगा, और कन्वर्ज जिस पॉइंट को हम उसी में, जिस पॉइंट को वो कन्वर्ज कर रहा है उसको हम उसी ए से बिलोंग करवा देंगे, तो फिर हम कहेंगे कि जी ये वहीं से बिलोंग कर रहा है, इस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा था, तो ये इसका इनफिमम डिस्टेंस हो जाएगा। सबसे पहले हमें उस एक सीक्वेंस लेना है, उसे कॉशियस सीक्वेंस।
पुराना है। पैरेललोग्राम लॉ यूज करेंगे हम इसके लिए, वो शो दैट वाई हमने एक सीक्वेंस लिया, वाई एन इज अ कॉशियस सीक्वेंस इन ए, हम ए में उसको प्रूफ करा देंगे कि वो कॉशियस सीक्वेंस है, उसका जो कन्वर्जेंस पॉइंट है वो ए में है, तो इसका मतलब वो सबसे मिनिमम डिस्टेंस हो गया। तो पैरेललोग्राम वाई हमने सिंपल पैरेललोग्राम लॉ लिखा है, वाई प्राइम माइनस वाई स्क्वायर का नॉर्म, ये पैरेललोग्राम लॉ है। अब हमने इसमें क्या किया है, रिप्लेस कर दिया है हमने एक्स प्राइम को वाई एम माइनस एक्स से और वाई प्राइम को वाई एन माइनस एक्स से, अपनी डिजायर इक्वेशन तक जाने के लिए हमने सिर्फ रिप्लेसमेंट की है, रिप्लेस कर दिया तो ये आ गया वाई एम माइनस वाई एन इज इक्वल टू, जस्ट यहाँ पे सिंपली हमने वैल्यूज लिखी हैं, ठीक हो गया। वैल्यूज लिखने के बाद हमारे पास यहाँ पे बन गया वाई एम प्लस वाई एन माइनस टू एक्स। अब हमने क्या किया, यहाँ से टू कॉमन ले लिया सारी टर्म से, स्क्वेयर था, स्क्वेयर था तो फोर कॉमन ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास ये बन गया 1/2 वाई एम प्लस वाई एन माइनस एक्स। अब हमारे पास हमने हमें ऊपर दिया गया था कि ए कन्वेक्स है, जैसे हमें कन्वेक्स की पता है वो डेफिनेशन, कि हम दो कोई भी एलिमेंट्स लें और उनका अल्फा और 1 - अल्फा से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो भी उसी स्पेस में से बिलोंग करेंगे, और अल्फा हमारा 1 और 0 से 1 के दरमियान होता है, ठीक है। इसी तरह अब हमने क्या किया है, दो एलिमेंट्स लिए हुए हैं ए से ही, हमने दो सीक्वेंसेस लिए हुए हैं और उनको हम क्या कर रहे हैं 1/2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो वो भी क्या होगा, ए से ही बिलोंग करेगा। 1/2 कर लें और 1 - 1/2, 1 - अल्फा, अल्फा 1/2 लिया हुआ है जो कि हमारे पास 0 से 1 के दरमियान है, तो इस तरह ये भी चीज़ क्या हो जाएगी, हमारे पास ए से ही बिलोंग करेगी बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वेक्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा अब हमारे पास ये जो डिस्टेंस है, ये हमारे पास हमने क्या था कि हमारे पास जो अब ये एम एन है, ये हमारे पास सीक्वेंसेस हैं और हमने इनके डिफरेंस को क्या कहा था, डिस्टेंस कहा था, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ ये 4 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा डिस्टेंस, और डिस्टेंस का क्या हो जाएगा स्क्वेयर, क्योंकि ऊपर स्क्वेयर था, और ये चीजें हमारे पास सारी इक्वेशन लेस हो जाएगी क्योंकि वाई और एन, वाई एम और एन जो है वो हमारे पास ए से हैं, तो उनके अलावा उनके जो पॉइंट्स हैं ऑब्वियसली वो सारी जो कोई भी इक्वेशन के पॉइंट से अलावा होगी तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, इससे ग्रेटर हो जाएगी। अब इस इक्वेशन में अगर हम एम और एन को अप्रोच टू इन्फिनिटी करवा दें, ठीक है, अगर एम और एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर जाएं, तो ये हमारे पास वाई माइनस एक्स ये एक बन जाएगा जो कि डिस्टेंस है, 2 डिस्टेंस का स्क्वेयर प्लस 2 डिस्टेंस का स्क्वेयर यहाँ पे, क्योंकि ये एन जो होगा अप्रोच कर गया होगा इन्फिनिटी को, तो ये क्या हो जाएगा 4 डी स्क्वेयर, तो -4 डी स्क्वेयर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन भी क्या कर जाएगी, अप्रोच कर जाएगी 0 को, ये वाली इक्वेशन अप्रोचेस टू 0 हो जाएगी एज हम एम और एन को अप्रोच करवा दें इन्फिनिटी को, बिकॉज क्योंकि हमारे वाई एम और वाई एम माइनस एक्स ये भी अप्रोच कर रहा है डी को, और वाई एन माइनस एक्स भी अप्रोच कर रहा है डी को, अगर हम एम एन को अप्रोच करवाते हैं इन्फिनिटी को, तो ये डी को अप्रोच करेंगे और वो 4 डी स्क्वेयर हो जाएगा प्लस और वो माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास अब क्या बन गया, हिंस वाई एन इज अ कॉशियस सीक्वेंस इन ए, सिंस ए इज कंप्लीट, हमने कहा हुआ है कि ए कंप्लीट भी था कन्वेक्स भी था, ये हमारे स्टेटमेंट में ही गिवन था, तो कंप्लीट है तो इसका मतलब है जिस को वो कन्वर्ज कर रहा है वो वाला हमारा जो एलिमेंट है वो भी कहाँ है, ए में ही पड़ा हुआ है, तो वाई एन कन्वर्ज कर रहा है वाई को तो अप्रोच कर रहा है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ए में है, तो डिस्टेंस हमारे पास लिमिट एक्स माइनस वाई एन, तो ये एक्स माइनस लिमिट वाई एन और ये एक्स माइनस वाई आ गई, वाई बिलोंग है कर गया हमारा ए से। अब यूनिकनेस हमने कहा है कि ये एलिमेंट जो था वो यूनिक होगा, अब इसकी यूनिकनेस प्रूव करने के लिए एज यूजुअल हम एक और एलिमेंट ले लेंगे जिसको कहेंगे कि हम उसका जो है डिस्टेंस है वो भी डी ही है, सपोज देर इज अनदर वाई नॉट इन ए सच दैट डी इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई नॉट नॉर्म, हमारे पास डी है, अगेन हम पैरेललोग्राम लॉ यूज करेंगे और यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे एक्स प्राइम को वाई माइनस एक्स से और वाई प्राइम को वाई नॉट माइनस एक्स से, और ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, हमारे पास इन्फिमम था एक्स माइनस वाई प्राइम का, ए कन्वेक्स है वही चीज फिर दोबारा यहाँ बिलोंग कर गया इससे, और ये हमारे पास फॉर्म बन गई 4 डी स्क्वेयर - 4 डी स्क्वेयर, तो ये 0 हो जाएंगे और हमें लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएंगे, और हमें पता है कि नॉर्म हमारे पास क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो नॉर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये लेस देन हो गया, तो ये क्या हो गया, इक्वल टू 0 आ गया और वाई इज इक्वल टू वाई नॉट आ गया।
जो कि हमारे पास उसकी यूनिकनेस को प्रूव करता है। अब हमारे पास स्टेटमेंट क्या थी कि लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी कंप्लीट कन्वेक्स सबसेट ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, और हमारे पास कोई एक्स लें जो वी से बिलोंग कर रहा है, ए से नहीं कर रहा, तो यहाँ हमारे पास एक यूनिक एलिमेंट वाई होगा जो ए से बिलोंग करेगा, जिसके साथ उसका डिस्टेंस उस एक्स का जो ए से बिलोंग कर रहा था वो इनफिमम होगा, सबसे कम डिस्टेंस होगा। सारे पॉइंट्स पे एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिसके साथ उसका डिस्टेंस सबसे कम होगा।